मेरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर दोस्त, इंटीरियर आर्किटेक्ट लोग और हार्डवेयर के मालिक और जो बिल्डिंग में मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर जी वेबसाइट पर अपना अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन कुछ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका फ़ोन मेरे पास में आ रहा है कि सर, हम इस वेबसाइट पर अकाउंट कैसे सेटअप करें। तो आज हम इसी पे सिर्फ फोकस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जी वेबसाइट पर एक अच्छा सा अकाउंट कैसे सेटअप किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं, कैसे कीवर्ड सेट किए जाते हैं और कैसे अबाउट बिजनेस के बारे में लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो कोई हंसी मजाक वाला नहीं है, इसलिए कृपया ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। कई लोग थोड़ा सा बताने के बावजूद वीडियो को स्किप करते हैं और वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाने के लिए चले जाते हैं और बाद में उनको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आप वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए जाएं। अब हम चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर और हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जी की वेबसाइट पर कैसे साइनअप किया जाता है। तो अभी हम जान लेते हैं दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्टर जी वेबसाइट पर कैसे प्रोफाइल बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो क्रोम ब्राउज़र है, इस पर हम क्लिक करते हैं और क्रोम ब्राउज़र में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे गूगल सर्च में लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टर जी डॉट कॉम। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टर जी की वेबसाइट खुल चुकी है। आप इस वेबसाइट को हिंदी में भी सेट कर सकते हैं वो यहाँ से। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर यहाँ पे साइन अप और लॉगिन, ये बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पे साइन अप और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, एक साइन अप बटन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप नए हैं तो साइन अप पर क्लिक करें, अगर आप पहले से अकाउंट बना चुके हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक करें। हम यहाँ पे एक नया अकाउंट सेटअप कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे साइन अप कर रहे हैं, एक नया अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए और मेरा ईमेल एड्रेस ये मेरा यहाँ पर लिख दिया है और मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ कुछ भी। अभी एक इसको ऐसा पासवर्ड रखिए ताकि आपको याद रहे। ये पासवर्ड मैंने कंफर्म कर लिया है। यहाँ पे टर्म और कंडीशन है, इन पे यहाँ पे एक चेक मार्क करना ज़रूरी है। आप चाहें तो टर्म और कंडीशन पढ़ भी सकते हैं और फिर हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। अब साइन अप करने के बाद में मेरे पास में एक OTP आएगा और OTP मेरे को यहाँ पे डालना रहेगा। तो हम इंतज़ार करते हैं OTP। देखो OTP आ गया है मेरे पास में, ये 9037, ये यहाँ पे OTP आया है 9037, ये OTP आया है। और यहाँ पर मैं, अगर आपके पास में OTP नहीं आता है तो आप 24 सेकंड के बाद में दोबारा OTP रीसेट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास में OTP आ गया है 9037, तो मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता। अब यहाँ पे आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा एड माई बिजनेस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे बिजनेस का नाम क्या है, प्लम्बर कॉन्ट्रैक्टर। और यहाँ पे ये जो सिलेक्ट कैटेगरी है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कैटेगरी चुनते वक्त, आपको बहुत ही सोच समझकर यहाँ पे कैटेगरी चुननी है। ये अगर आप कारपेंटर हैं तो आप कारपेंटर की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचते हो तो आप सप्लायर्स और डीलर्स पे क्लिक करोगे। अगर आप आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, इंजीनियर हो, तो आपको यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिजाइनर की यहाँ पे ये दिखाई दे रही होगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिजाइनर, ये आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर की प्रोफाइल में यहाँ पे सेट करने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर में हूँ। अब मैं यहाँ पे सब कैटेगरी चुनूंगा कि मुझे प्लम्बिंग के काम में कौन कौन सी सब कैटेगरी में काम करता हूं। तो यहां पे न्यू कंस्ट्रक्शन है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। मैं ड्रेनेज में भी काम करता हूं, मैं वाटर स्टोरेज में भी काम करता हूं, मैं सेफ्टी टैंक प्लम्बिंग ये चेंबर रिपेयरिंग भी करता हूं, लेकिन यहां पे लिखा है AMC में यहां पे काम नहीं करता हूं, इसलिए मैं यहां पे इतना ही चेकमार्क करूंगा और इसको यहां से बंद कर दूंगा। यहां पे नेक्स्ट का बटन है, यहां पे ये इतना करने के बाद में हमको नेक्स्ट के बटन पे जाना है। अभी डिटेल ऐड करना बाकी है कि हमारा नाम अच्छे से गूगल सर्च लिस्ट में आए। अब यहां पे आपको ये कवर फोटो दिखाई दे रही होगी, एक आदमी
टोपी लगाए है। ये बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल में यही ये टोपी वाला आदमी दिखाई देता है, क्योंकि लोग यहाँ से कवर फोटो चेंज नहीं करते हैं। तो आप भी यहाँ से अपनी फोटो चेंज ज़रूर करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे वो फोटो अपलोड हो गई है। फिर यहाँ पे आप कवर फोटो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे फिर भरनी है। यहाँ पे पहला सवाल है कि बिल्डिंग टाइप्स वेयर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस मोस्टली, मतलब कि ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स हैं जिसमें आप ज़्यादातर काम करते रहते हो, जैसे रेसिडेंटल है, कमर्शियल है, एजुकेशनल है, इंडस्ट्री है, रिलीजिएशन है। अगर आप धार्मिक स्थलों पर भी काम करते हैं तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्रीज एरिया में ज़्यादा काम करते हैं तो इसमें करिए, अगर आप कमर्शियल में ही ज़्यादा करते हैं तो इसमें कीजिए, आप रेसिडेंटल में नहीं करते तो इसको मत कीजिए, लेकिन रेसिडेंटल में करते हैं तो आप इसको क्लिक कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर एजुकेशनल को नहीं किया है, अगर मैं करता हूँ तो मैं यहाँ पर भी इसको क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर इसको मैं बंद कर दूँ, और बस आप इसी तरह इस फॉर्म को कंप्लीट कर दीजिए और आगे हम देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं, अबाउट अस में क्या लिखा जाता है, सर्विस कैसे लिखा जाता है, गैलरी में फ़ोटोएं कैसे ऐड की जाती है। अब मैं इस वीडियो की थोड़ी प्ले स्पीड बढ़ा देता हूं ताकि आपका और मेरा टाइम बचे। प्रोफाइल अपडेट का बटन दबा के आप इस अकाउंट बना सकते हो। अब आपका अकाउंट ऑलमोस्ट बन गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो गूगल सर्च लिस्ट में लाने में आपकी बड़ी मदद करेगा। जैसे ये अबाउट माई बिजनेस लिखना है, अबाउट माई बिजनेस में आपको लिखना है यहाँ पे कि टेल टू पीपल व्हाई योर बिजनेस स्पेशल। यहाँ पे लिखना है कि मैं कितने दिनों से काम कर रहा हूँ, कौन सा काम कर रहा हूँ, मेरे पास में क्या टीम है और मैं कैसे कैसे सर्विस देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे लिखना है कि इंटर न्यू कीवर्ड, यहाँ पे वो शब्द लिखने हैं जो गूगल में आमतौर पर सर्च किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ और मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्लम्बिंग की प्रोफाइल बनाई है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लम्बर नियर मी, फिर लिखूँगा प्लम्बर इन दिल्ली, फिर मैं यहाँ पे लिख दे दूँगा बेस्ट प्लम्बर इन दिल्ली, फिर मैं लिख देता हूँ पाइप वर्क इन दिल्ली। जितने भी आपके पास में ऐसे शब्द हैं वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ताकि जो कुछ भी वो आदमी सर्च करता है वो आपका प्रोफाइल सबसे पहले आए इसलिए। और यहाँ से आप इसको अपडेट कर दें, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना है, जैसे कि आई एम द बेस्ट प्लम्बर इन दिल्ली, फिर लिख देना कितना आदमी है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी में लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको लिख के आपसे इसको अपडेट कर दो, ये प्रोफाइल आपका अबाउट अस अपडेट हो गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये सर्विस में क्या है। सर्विस में आप जो काम करते हो, जैसे ड्रेनेज लाइन का काम करते हो, टंकी का सफाई करते हो, उसमें आपको लिख देना है यहाँ पे, जैसे क्लीन वाटर टैंक, किचन सिंक, ड्रेनेज लाइन, प्लम्बिंग फॉर बाथरूम, प्लम्बिंग फॉर टॉयलेट, ऐसे आप कितने भी इसमें ये सर्विस ऐड कर सकते हैं और इसको भी यहाँ से अपडेट कर दें। फिर ये यहाँ पे गैलरी है, गैलरी में आपको अपने अच्छे अच्छे काम का फ़ोटो रख देना है। ये फ़ोटो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है।
अब हम चलते हैं ये प्रोडक्ट, ये यहाँ पे लिखा देख रहे हो आप प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है आपको, ऐड प्रोडक्ट करना है। मान लो कि बाथरूम में फिटिंग करना, बाथरूम में पाइप फिटिंग करना है, तो यहाँ पे आप उसका भाव बता सकते हो कि एक बाथरूम का कितना रुपया आप लेते हो। पे ये फोटो ले लिया है और इसमें ये मान लीजिए कि बाथरूम है और इसका नाम है बाथरूम प्लम्बिंग फिटिंग, इसकी प्राइस मैं रखता हूँ यहाँ पे 8,000 रुपया और यहाँ पे मैं एक रखता हूँ यहाँ पे फीस, एक नंग का मैं 8,000 रुपये लेता हूँ प्लम्बिंग करने का। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी टर्म और कंडीशन क्या क्या है कि भाई ये जो 8,000 रुपया है ये किस चीज़ का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस प्राइस ओनली लेबर विथ मटेरियल कॉस्ट विल बी 20,000। ऐसा आप लंबा थोड़ा लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पर भी इस प्रोडक्ट के बारे में आप इंटर सर्चिंग कीवर्ड जो गूगल में क्या सर्च किए जाते हैं वो ये सर्च यहाँ पर भी आप लिखते हैं, जैसे कि बाथरूम फिटिंग प्राइज फॉर बाथरूम फिटिंग या पाइप फिटिंग लिख देना, पाइप फिटिंग। फिर अगर आपके पास में कोई यूट्यूब की लिंक है, अगर आपका आपके पास में आप यूट्यूब चलाते हो तो अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को देख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपना प्रोफाइल को बना सकते हो। ये यहाँ पे जो इंक्वायरी लिखा है इंक्वायरी, इस इंक्वायरी पे आपको कोई मेल करेगा या आपके कोई इंक्वायरी करेगा आपसे, तो वो इंक्वायरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और आपको कोई रिव्यू देगा तो वो आपको रिव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। आप अपने पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ये टॉक भी, तो अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप कंपनी के साथ में यहाँ से बात भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे लॉग आउट का बटन है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आप समझ गए होंगे कि ये कैसे बनाया जाता है जी। और यहाँ पे आप रोहन कुमार का नाम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके और माई अकाउंट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो अभी हमने कॉन्ट्रैक्टर जी का वीडियो बनाया था प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, वो अकाउंट यहाँ पे शो होने लग गया है और हम यहाँ पे उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी हो सकती है। यहाँ पे मैंने नंबर डाला था। थैंक यू।